सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल शेयर्स की, और यहाँ पर बात होने वाली है कोल इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील, सेल, वेदांता और एक ऐसे शेयर की जो 47 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करो उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। सो कोल इंडिया लिमिटेड अगर देखें तो बिल्कुल आज इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। 229.65 रुपये के लेवल पे ये शेयर हमें क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। 75 पैसे तक की यहाँ पर आप देख सकते हो एक गिरावट भी नजर आती है 0.33% के बेसिस पे। वही आगे बढ़े तो यहाँ पर 5 दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। वही आप देखो तो 1 महीने में 12 रुपये, 6 महीने में 9 रुपये तक की गिरावट है। और एक न्यूज़ भी यहाँ पर आ रही है, कैप्टिव माइनिंग्स शेयर्स इन इंडियाज कोल प्रोडक्शन इज रेजिंग एक्सपेक्टेड टू पार्शियली रिप्लेस इम्पोर्ट। तो गाइज, यहाँ पर जो इम्पोर्ट्स होते हैं उसे रिप्लेस अगर किया जाए तो बिल्कुल कोल प्रोडक्शन जो है यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाला है। जो भी माइनिंग सेक्टर्स की कंपनी जो है माइनिंग शेयर्स है उनमें यहाँ पर एक ग्रोथ आ सकती है प्रोडक्शन के बेसिस पे। कैप्टिव माइनिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 20% फ्रॉम द करंट 13%। तो गाइज, यहाँ पर अभी की बात करें तो 13% है, और वही अगर देखें 20% हो सकता है। और गाइज, यहाँ पर मेजोरिटी अगर देखी जाए, सबसे तगड़ा अगर देखा जाए तो कोल इंडिया है। कोल इंडिया ही है सबसे तगड़ा यहाँ पर अगर माइनिंग शेयर्स की बात करें तो। तो गाइज, यहाँ पर अगर देखें तो ये बिल्कुल आगे बढ़ने वाला है। इसके पीछे का मैं एक रीज़न आपको बता देता हूँ। गाइज, यहाँ पर आपको पता है समर के सीज़न में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी में मेन चीज़ होती है कोल। और कोल की यहाँ पर जो तगड़ी कंपनी अगर मैं बताऊँ तो कोल इंडिया लिमिटेड है। और यहाँ पर काफ़ी एनालिस्ट ने पहले भी बताया था कि कोल इंडिया लिमिटेड में समर सीज़न में काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आ सकता है, और वो मोमेंटम हमें देखने को मिल भी रहा है। और यही नहीं, आगे भी अभी बाकी है। अभी अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन काफ़ी तगड़ा हो रहा है, और यहाँ पर अगर जो उसकी सेल्स है वो भी तगड़ी बढ़ने वाली है। वही अगर देखें, यही कारण है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े जो यहाँ पर एनालिस्ट है उनका भी कहना, 80% लोगों का कहना है कि आप बाय की ओर जा सकते हो, और 20% लोगों का कहना है कि आप इसे होल्ड रख सकते हो। यानी 100% लोग यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड में। यहाँ पर लेवल्स की बात करें तो अभी एक रेंज में है। आज यहाँ पर अगर देखें गिरावट रही है, बट स्टॉक ने यहाँ पर लिया है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसी के साथ थोड़ा साइडवेज भी चल रहा है। और ये रेंज अगर ब्रेक होती है तो यहाँ से शेयर और भी बढ़ सकता है, 231 रुपये के अराउंड की तेज़ी आराम से आ सकती है। यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर रेंज से स्टॉक में रिजेक्शंस है, यहाँ पर आप देखोगे तो सपोर्ट है, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट नज़र आएगा। और ये शेयर सीधा 231 रुपये के अराउंड का जो लेवल है वो ईजी तरीके से यहाँ पर अचीव कर सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देखोगे इस पॉइंट से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, और यही से ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, फिर सस्टेन किया, फिर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से हमें पूरी उम्मीद है कि शेयर आगे बढ़ेगा। और एक कंफर्मेशन ये भी है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला है, और मैंने एक चीज़ कही थी कि कहीं ना कहीं ये इस पर्टिकुलर रेंज पर सपोर्ट लेने कोशिश कर सकता है, तो हो सकता है कि और एक गिरावट इसमें आ जाए। और यहाँ पर अगर सपोर्ट इसने ले लिया इस लेवल पे, तो यहाँ पे अगर देखें 260 रुपये तक इजी तरीके से मोमेंटम बता देगा। बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड की। सो गाइस, टाटा स्टील लिमिटेड में अगर देखें 108 रुपये पे क्लोजिंग दे दी है, 108.10 रुपये पे कोस्ट टू कोस्ट स्टॉक ने क्लोजिंग यहाँ पर दी है। वही आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े हैं उनमें 87% लोग बाय करने के लिए और 2% लोग होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। यानी अगर आप देखोगे 89% लोग यहाँ पर शेयर में पॉजिटिव नज़र आते हैं, और 11% लोग सेल करने के लिए भी कह रहे हैं। लेवल्स की बात करें तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आप देख सकते हो एक डिसेंडल टाइप ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुका है, यानी कल का लेवल यहाँ पर सीधा 110 रुपये के अराउंड जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। बट एक यहाँ पर अगर देखे गए तो कहीं ना कहीं एक डराने वाले आंकड़े भी है। डराने वाले लेवल मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर में एक राइजिंग वेज टाइप पैटर्न है। मैंने एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कल ही हमने बताया था, और यहाँ से एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है, 110 के अराउंड का टारगेट अचीव हो सकता है, और टारगेट अचीव यहाँ पर हुआ भी। बट वही अगर देखे गाइस तो यहाँ पर कई टाइम से इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था, यहाँ पर अपसाइड डाउन मोमेंटम भी हमें नज़र आए, और इसी के चलते आप देखोगे तो यहाँ पर शेयर में ब्रेकडाउन भी है। तो यहाँ पर लग रहा है कि स्टॉक में एक फॉल भी क्रिएट हो सकता है।
एक गिरावट भी आ सकती है। तो सपोर्ट कहाँ पे लेगा, 106 रुपये का लेवल है नीचे, फिर आता है 104, उसके बाद सीधा 102, ए सपोर्ट्स लेवल है। अगर गिरता है तो इन लेवल्स पे ये सपोर्ट ले सकता है। अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट शेयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। सो गाइज यहाँ पर अगर देखें सेल में स्टॉक में एक अच्छी बढ़त रही है, 60 पैसे तक बढ़ा है। हालांकि स्टॉक 83.50 रुपीस के अराउंड चले गया था, बट 83.25 रुपीस के अराउंड ही क्लोजिंग दे दी है। 60 पैसे तक के रिटर्न है, 0.73% के बेसिस पे ग्रोथ नज़र आ जाती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के आंकड़े अगर देखें तो 60% लोग बाय करने के लिए, 30% लोग होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखें तो 90% लोगों की ओर से यहाँ पर शेयर में बिल्कुल पॉजिटिव आंकड़े नज़र आ रहे हैं, और 10% लोग ही हैं जो यहाँ पर सेल करने के लिए कह रहे हैं। लेवल्स की बात कर ले तो यहाँ पर शेयर में सपोर्ट है, यहाँ से रिजेक्शन है, सपोर्ट रिजेक्शन फिर सपोर्ट, तो कई सारे अपसाइड डाउन मोमेंटम भी हमें शेयर में नज़र आया है, बिल्कुल आप देख सकते हो। और ये सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया है, और कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर की ओर तो 84 रुपीज़ का जो टारगेट है वो इजी अचीव होगा। और ये लेवल ऊपर की ओर भी अगर ब्रेक हो जाते हैं तो उससे भी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, ये हम शुरू से ही आपको बता चुके हैं। लगभग 84 से लेकर 86 तक ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न ब्रेकआउट मिला, सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न बन गया, तो यहाँ से 86 रुपीज़ तक के टारगेट तो अचीव हो ही जाएंगे, क्योंकि यही से इस स्टॉक में अगर देखें तो एक रिजेक्शन पॉइंट भी है। मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा, इसके पूरे लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर वेदांता की बात कर लेते हैं। वेदांता में अगर देखें तो आज गिरावट रही है, बट वही कहीं ना कहीं अगर देखेगा तो इसके जल्द ही रिजल्ट्स आ सकते हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। 229.75 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी, 1.80 रुपये तक ये गिरा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक शेयर्स राइज 1% अहेड क्वार्टर फोर अर्निंग ऑन फ्राइडे। सो गाइज यहाँ पर अगर देखें हिंदुस्तान जिंक शेयर, वेदांता ने बिल्कुल इसे खरीदा है, बट एक चीज़ मैं कहूँ कि वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के शेयर जो है गिरवी रखे हैं, तो आगे मैं बताऊंगा। पर उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन यहाँ पर इसके रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, यानी एक डिविडेंड का माहौल कल क्रिएट होने वाला है। और यहाँ पर वेदांता के लिए अच्छी बात है, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा है तो बिल्कुल वेदांता भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पर है वो गिरवी रखने वाली बात, यहाँ पर वेदांता ने बिल्कुल यहाँ पर शेयर्स गिरवी रखे हैं। प्लेज वेदांता प्लेज हिंदुस्तान जिंक शेयर्स टू रेज 1500 करोड़। तो गैस 1500 करोड़ का फंड रेज यहाँ पर वेदांता करने जा रही है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स गिरवी रखे हैं, तो ये चीज़ सामने आ रही है। इसमें अगर हम देखें तो यही पॉजिटिव चीज़ है कि इसके रिजल्ट्स आने वाले हिंदुस्तान जिंक है, जिसकी वजह से वेदांता में कल एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है, और वही कारण है कि 91% लोग यहाँ पर बाय करने के लिए कह रहे हैं, 9% लोग सेल करने के लिए। लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर कई बार रिजेक्शन यहाँ पर ले चुका है, और इन्हीं के चलते यहाँ पर इस लेवल को इसने नीचे की ओर ब्रेक भी किया। बट ये नीचे की शेडोज को हम अगर फॉलो करें तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो यानी कल के दिन यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो 84 से लेके 284 तक जा सकता है। वही बात कर ले बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो बिल्कुल एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न था, ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है, तो आने वाले टाइम में ऊपर जाना ही जाना है। अब बात कर लेते हैं एक सस्ते शेयर की जो 47 रुपये तक का डिविडेंड यहाँ पर दे रहा है, जिसका नाम है स्टॉवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टेक्सटाइल एंड मशीनरी सेक्टर की कंपनी है। 2245.80 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। 44.10 रुपये तक अगर आप देखोगे तो अच्छे रिटर्न्स हैं। यहाँ पर अगर देखें कंपनी डिविडेंड दे रही है, तकड़ा डिविडेंड है, 47 रुपये यानी 470% तक का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिल रहा है। 47 रुपये पर इक्विटी शेयर आपको मिलने वाला है 2 मई 2023 से, पहले आपको इसे बाय करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज एक चीज़ आपको हमेशा से ही याद रखनी है, कोई भी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो उन शेयर्स का एक बार एनालिसिस जरूर कर लेना। थैंक यू।